अस्सलामुअलैकुम जी, आज है मंडे, ईद के बाद का पहला दिन है। मैंने अभी नया सीरियल शुरू किया है जिसका नाम है गैर। हो सकता है नाम चेंज हो जाए, लेकिन फ़िलहाल नाम गैर है। तो उसकी शूट पे जा रहा हूँ। आज का दिन कैसा होता है, कैसा गुजरता है, कौन कौन कास्ट है, ये भी आपको हम मिलवाएंगे उनसे और थोड़ी सी चिट चैट कराएंगे। ये ऑडिटोरियम है, ये इसका ग्रीन रूम है, यहाँ सारे आर्टिस्ट बैठे हैं। ये एजाज साहब हैं और हम इस वक्त बैठे हैं PACC और डी हमारा उसका कमरा है, वहाँ बैठे हुए हैं। लंच किया भी हमने और एजाज को लागे तो कुछ तो बचा होगा। आज इसकी मैंने जावर खरीदे, मैंने एजाज की फिटनेस का राज ही है कि फ्रूट्स खाता है, जूसेस पीता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फोन पीता है। ये अर्जुमन रहीम हैं और ये मदी अफ्तखार हैं। दो क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी हमारी हीरोइंस। प्यारा है ना? कौन प्यारा है? मैं तो हूँ प्यारा। ये नई मुस्तफ़ा हैं, इनको आप जानते होंगे, मशहूर ज़माना असिस्टेंट DOP। हम गाड़ी का सीन कर रहे हैं यहाँ गाड़ी में। हाँ जी, तो ये है मदिया इफ्तिखार। क्या हाल है आपके? मदिया ठीक है सर, आप कैसे? मैं बस का। मतलब कितना अर्सा हो गया मीडिया में, शोबिज़ में? 14 साल। कैद में अभी किसी का मर्डर किया होता तो बाहर जेल से बाहर निकल रही होती ना, कसम से। है ना, किसी का अगर कत्ल किया होता तो 14 साल की सजा काट के मदिया से बाहर आज़ाद हो चुकी होती। इस वक्त हम ना द फॉरेस्ट में, तो मेरे फ्रेंच फ्राइज आ गए। फ्रेंच फ्राइज नहीं यार, लाओ भाई लाओ 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 यार। ये द फॉरेस्ट में जो है ना फ्रेंच फ्राइज भी मिलती है फुल टाइम में। हम शूट कर रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम मिला तो हमने कहा चलो यार मदिया से चिट चैट करें। तो मदिया मुझसे अब इशारों में बात करो सर। इशारों में क्या? कौन सी लैंग्वेज होती है जो? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, हाँ। तो कितना अर्सा हो गया शोबिज में? 14 इयर्स। अच्छा, और ये साइन लैंग्वेज क्यों सीखी थी, वजह क्या थी इसकी? लोगों को पता चले ना? वैसे लोगों को तो आई थी, काफ़ी लोगों को पता है वैसे तो। हाँ पता लग गया, बट अब्बू की वजह से, बिकॉज अब्बू डेफ एंड म्यूट थे तो उन्होंने फिर बोलते हाथ शुरू किया था बच्चों को सिखाने के लिए। तो हमने तो सीखनी थी क्योंकि घर में उनसे कम्युनिकेशन करनी होती थी। लेकिन अच्छा मज़े कर रहा है, ये साइन लैंग्वेज आनी चाहिए या सर? आनी चाहिए, पता है, जनरली भी आनी चाहिए क्योंकि आपको कम्युनिकेशन वैसे भी डेफ लोगों से इजी हो जाती है। आप आपस में भी आपको कोई सीक्रेट टॉक करनी है ना तो एक कोने में बैठ के मैं अच्छा ये होता था कर लेते हैं। अरे सिखा दिया है मैंने, बस मुझे भी सिखा दिया। हाँ हाँ, फिर हम बैठे बैठे हम कह देते हैं गो लेट्स गो, टाइम पूरा हो गया। ये फायदा है इसका, फायदा है। और साइन लैंग्वेज में जो है वो कितना टाइम लगा सीखने में, या पता नहीं चला खुद ही सीख ली? बचपन से सीखी तो पता नहीं लगा, बट यूजुअली महीना फॉर बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल्स 2 to 3 months कोर्स होता है, बस वो हो जाता है। और शादी का जिक्र करना है नहीं करना है इसमें? किसमें? ब्लॉग में कह दें। क्यों कह दें? अच्छा नहीं, पता कुछ लोग छुपाते हैं शादी। क्यों भाई, मैं खुल्लम खुल्ला शादी है। हाँ नहीं खुल्ला खुला तो है, लेकिन अभी हीरोइन भी होते ना। तो शादी कितना अर्सा हो गया? 8 साल। माशाल्लाह, 4 साल हो गए हैं, ज़बरदस्त यार। तो मुझे भी नहीं पता चला 8 साल हो गए। ये मेरा भाई, go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. ये जास कम है और क्या सनलाइट पड़ रही है। अच्छा सही है, बात करो। कौन है? नवीद है। नवीद, नवीद दादा है? हाँ नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। यासर नवाज है, ठहर जाओ ठहर जाओ।
आसर भाई आप तो बिल्कुल ही वो चल रहे हैं इस वक्त कसाई, क्यों डायरेक्शन छोड़ रहे हैं ना, पैटर्न छोड़ रहे हैं ना, गेस्ट अपीयरेंस छोड़ रहे हैं ना, ईद का शो छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ये हुआ है कि गिरा हुआ पीछे टीम। आगे चलो आगे चलो, मैं गाय बकरे ऊंट तीनों काटता हूं एक वक्त पे। मैं आपको वैसे बात बताऊँ, मैं बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मैं यासिक साहब फर्स्ट टाइम काम कर, जो कि हम सबकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, बट वी हैव नेवर वर्क टुगेदर, ना एज एन एक्टर हमने साथ काम किया ना एज अ डायरेक्टर, मगर मुझे इतना मज़ा आ रहा है स्क्रिप्ट में, कि यासिक मुंह पे बैठा हुआ है, लिटरली मैंने इंजॉय किया, कि मतलब जो कैरेक्टर जिस तरह बताया, हर चीज़ में हेल्प आउट करना, आई रियली एंजॉय। नहीं मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, खाती भी रोज़ा सर ठंडा ना हो जाए, खाएँ तो मेरे रेस्टोरेंट फॉरेस्ट में आप बैठी हुई फ्रेंच फ्राइज खा रही है, इतना का इतना ज़बरदस्त बारबेक्यू है, इतना कुछ छोड़ के आप फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ। हम अभी तो आए थे तो उन्होंने कहा अब सब कुछ, अरे शुरू किया अभी, कहता एंड कढ़ाई पे होगा, स्टार्टर है। चलो नहीं मैं बहुत मज़ा आया, और ये अरसलान साहब भी आ गए हैं, ओहो तो अभी हम इसका जिक्र कर रहे थे जेएस बैंक में, लंबी उम्र है इसकी, बहुत हेलो कैसे हो तुम छोटे भाई, ये बहन भाई बने हुए आप दोनों, पता लगाया बहुत ड्रामों में साथ काम किया उन्होंने, बहन भाई के रूप में हमने बहुत काम किया, कौन से सुन के मेरे आदेश ने मेरा भाई, हां ये मुझे पता है ना, हां क्या हाल है, बिल्कुल ठीक हूं, कैसे हो, तो सीओ की तो चीजों की खबर है ना, हां चलो बहन भाई दोनों आपस में बात करें, हम जरा थोड़ी देर बाद फिर आपको मुलाकात कराते हैं, इन बहन भाई को बात कर लेते हैं, अब मैं चिड़ मारूंगा, कैसी हैं कुमार की बहन छोटे भाई जी, अर्जुन टू ऑल माय फैंस सो मच लव टू गिव यू नो, अर्जुन कितना साल हो गया फील्ड में, फील्ड में तीस साल हो गए, हाँ एजाज तुम्हें इजाज़ मुझसे सीनियर है, इजाज़ झूठ बोल रहा है, इजाज़ मुझसे भी सीनियर लग नहीं रहा ना, इजाज़ भी हम सब सीनियर हैं, सब सीनियर एक्टर, अब लिख दें आगे नाम क्या है ना, सीनियर एक्टर यासिन नवाज, सीनियर एक्टर वेटरन्स बना दिया है हमें भाई, वेटरन्स तो सबा हमीद हैं, समीना अहमद हैं, बहुत से और नामवर लोग हैं, लेकिन टाइम कहाँ से वेटरन्स हो गए, फिर भी काम हो गया, टाइम हो गया हमें, टाइम हो गया, चलिए बाय बाय। क्या कैरेक्टर है इसका, कैरेक्टर ये बताना नहीं है अभी, छुपा राज में रखना है है ना, बस से बाद या फिर नमाज के साथ लास्ट हमने कौन सा किया था, चुप रहो किया था और उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अर्जुन के साथ नहीं 10 साल का हूं मैं, उसको ना करें 10 साल से ज्यादा हो गए, बल्कि अच्छा ओए होए कल की बात लगती है, देखे यार 10 साल ना मजा वाकई, हाँ 10 साल हो गए, सही कह रहे हैं, 10 साल पहले हमने काम किया था, मेरा वो सीरियल बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था, और इंशाल्लाह ये भी उससे ऊपर जाएगा, उससे भी ऊपर, फिर हम 10 साल बाद काम करेंगे। थैंक यू अर्जुमान, थैंक यू।
रोल एक्शन अब हम आ गए हैं एक उस लोकेशन पे जहाँ पे ये घर है और ये सेकंड डे है हमारा। हेलो उष्णा। यस आ जाओ उष्णा, आज पिंकू पिंकू लग रही हैं। यस उष्णा उदास बैठ गई। एयरपोर्ट वाला नहीं नहीं ये तो कॉलेज जा रहे हैं। हम एयरपोर्ट में सीन शूट करेंगे कराची एयरपोर्ट में जाएंगे। कराची एयरपोर्ट में करेंगे हफ्ते को करेंगे नहीं, हम एयरपोर्ट सीन करने हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है नहीं मतलब कोई प्राइवेट एयरपोर्ट अच्छा यार। नहीं नहीं ऐसे रोल और ये है हमारी उष्णा उष्णा शाह। उष्णा शादी के बाद पहला सीरियल है। उष्णा सारा दिन अपनी मियाँ को याद करती रहती है, कभी मैं देखता हूँ कभी सोफे में उधर मुंह करके बैठी हुई है, कभी उधर दीवार दीवारों से बातें कर रही है। दीवारों से बातें कि यार मियाँ जो है वो याद आ रहा है। दीवारों से तो बातें शायद इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत गर्मी है, वो तो दीवार के ऊपर एसी लगा होता है इसलिए। हाँ एक्चुअली मैं आपको हर एसी के सामने मिलूंगी खड़ी। हस्बैंड याद आ रहा है? आ रहा है चलो गुड। और कितने महीने और कितने दिन हो गए? ये तो तो याद होगा सब कुछ। I think 3 हफ्ते हो गए मिले हुए, शायद उससे ज़्यादा। नहीं मिले भी नहीं शादी को। शादी को February 26th को थी, कितना टाइम हो गया? और अप्रैल में जून जुलाई में आ गए 5 महीने। अभी जून में जुलाई में जुलाई चल रहा है लेकिन फेब के एंड में सो चार महीने में। हाँ बस चलो सही है, 4 महीने में याद आ रहा है। आपको आपको निदा याद आ रही है? मुझे निदा 21 साल हो गए हैं। 21 साल बाद याद नहीं आती? नहीं बहुत याद आती है। चमचा बैठा फौरन बहुत ये भी हमारे साथ बहुत पुराना है, जानता है नादानी के जमाने से पहले जानते हूँ। तो शादी में मज़ा आया, शादी मजे की थी। नहीं वैसे शादी में मज़ा है, शादी में मज़ा है। हाँ शादी करनी चाहिए, लोग जो नहीं करते। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस शादी है गर्मियों के महीनों में, तो वो जो होता है ना साथ रहना, हर बार काम पे जाना आना और फिर एक दूसरे से थक जाना, वो अभी फेज आया नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस में फायदे भी है कि आप बोर नहीं होते। बोर नहीं होते, मिस करते हैं, मिस करते हैं दूसरे को। और चलो मैं आप मजीद नहीं पूछ रहा यार। मैं वैसे निदा से पूछ चुकी हूं अपने शो पे। निदा पूछ चुकी है? ओह माय गॉड एक्सटेंसिव। अच्छा चांद रात का शो और लोग तंग आ गए होंगे सुन सुन के। नहीं नहीं कोई तंग नहीं आया, इतनी इंटरेस्टिंग थी। और इन 4-5 महीनों शादी के बाद कोई नाराजगी हुई आपस में? रोज आप मुझसे मिले नहीं, मैं तो बहुत बड़ी ड्रामा हूँ। काम इंसान हूँ, आपको लगता है लड़ सकती हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती हमारी वैसे, लाइक फनी लड़ाई थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए। हाँ लाइक फनी लड़ाइयाँ, वो हमजा बहुत काम इंसान है वो तो बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा ही चला, इसी बात पे लड़ाई होती है। ये सही भी है पता है, इस तरह लंबी चलती है, एक लड़ाई कर रहा करने वाला और एक काम बिल्कुल ठंडा। मैं भी इतना ही लड़ती हूं। हां इतना ही लड़ती नहीं नहीं बीवियां सब लड़ती हैं शादी के बाद ना, सब बीवियों को लाजिम होता है लड़ना। अच्छा तो लड़का अगर लड़ती हो तो कोई नई बात नहीं है सबके लिए। सब चलो आई एम ग्लैड यू सेड इट। हां मस्त है, चलो हम काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। गर्मी शाम गर्मी बहुत लगती है।
चलें जी आज का ब्लॉग खत्म होता है। एजाज मैं समझ रहा था तस्वीर पर नहीं तो तस्वीर नहीं बनी तस्वीर बाय बाय टाटा भाई तस्वीर मेरे दिल में। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करें। बाय बाय खुदा हाफिज़। गर्मी में शूट किया भाई आज हालत ख़राब थी हमारी। थैंक यू भाई खुदा हाफिज़ कल मिलते हैं इंशाल्लाह।